फ्रेंड्स, मैं रचना स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रचना रसोई रेसिपी में। तो आज मैं ब्रेड का गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 14 ब्रेड ले लिया है, ब्राउन ब्रेड है, आप चाहे तो व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के किनारों को मैंने निकाल दिया है क्योंकि ब्रेड के किनारे बहुत हार्ड होते हैं तो गुलाब जामुन बनाने में दिक्कत होगी। ये मैंने बादाम काट लिया है बारीक और चिरौंजी ले लिया है, आप अपनी पसंद से काजू किशमिश ऐड कर सकते हैं। ये घी है 2 टेबल स्पून, ये इलायची पाउडर है और ये 2 कप चीनी है। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसमें 2 कप चीनी डाल देते हैं और 1.25 कप पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और चीनी घुलने तक इसको कुक करेंगे, उसके बाद चाशनी को चेक कर लेंगे। अब हम ब्रेड का डो बनाएंगे, तो आप चाहे तो ब्रेड को तोड़कर भी ऐसे डो बना सकते हैं और चाहे तो उसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद उसका डो बना लेंगे, तो मैं यहाँ ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। सारे ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया है और ये मैंने 2 कप दूध लिया था, उसको गाढ़ा करके 1 कप कर लिया है। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको गाढ़ा करके अगर इसमें डालेंगे तो टेस्ट और ही अच्छा आएगा गुलाब जामुन का। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें मिलाकर स्मूथ डो बनाएंगे। ये मैंने डो बना लिया है, आप डो को चेक करने के लिए एक बॉल ऐसे बना कर दे सकते हैं। बॉल हमारी एकदम चिकनी बननी चाहिए, ये देखिए। इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। यहाँ हमारी चाशनी भी बन गई है, इसको बॉयल होने के बाद हमने 5-6 मिनट तक धीमी गैस पे इसको पका लिया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम बॉल्स ब्रेड के बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा हथेलियों पे ऐसे घी लेंगे और छोटा बड़ा आप चाहे जैसे भी इसके बॉल्स बना लें। इसको चिपटा करेंगे और इसके अंदर ये चिरौंजी के और बादाम के स्टफिंग डालेंगे थोड़ा थोड़ा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है गुलाब जामुन की। इस तरह से प्रेस कर लेंगे इसको। ये देखिए ऐसे ही सारे बॉल्स बना लेंगे। सारे ब्रेड बॉल्स हमने बना लिए हैं और 14 ब्रेड में हमने 20 बॉल्स बनाए हैं। अब चलते हैं इसको तलने की प्रोसेस में। ये चाशनी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको मिला देंगे। अब गुलाब जामुन को हम तलते हैं। ध्यान रहे कि गुलाब जामुन को फ्राई करते टाइम आपकी गैस की फ्लेम एकदम धीमी रहनी चाहिए। एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो रहनी चाहिए। अब इसको हल्के हाथों से ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये भी तलकर रेडी कर लेते हैं। इस गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देते हैं और 1 घंटे तक चाशनी में डूबे रहने देंगे। चाशनी में जाने के बाद ये गुलाब जामुन फूलकर डबल हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। तो ये
गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। और आप भी अपने घर में ये ब्रेड से बने गुलाब जामुन बनाइए, खाइए, आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए।